अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज के छाल के वड़े, जो खाने में एकदम लाजवाब होता है और स्वादिष्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बनाने के लिए। अगर आप एक बार ये वड़ा बनाकर खाएंगे तो आपको बार बार बनाकर खाने का मन होगा। तो हम सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे। तो पहले चूल्हा जला लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चूल्हा हमारा जल चुका है, इसके ऊपर हमने लोहे की कढ़ाई रख दी है। इसमें हम पानी डालते हैं 1 से 1.5 कप आलू को उबलने के लिए। 10 से 15 आलू डालेंगे मीडियम साइज़ के। अगर आपके पास बड़े आलू हो तो उसे काट करके डालें। हमारे पास मीडियम आलू है तो हमने मीडियम साइज़ के आलू को डाल दिए और इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं आधा घंटे के लिए। 30 मिनट के हमने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज को हम छाल निकाल देते हैं और इसे बीच में से कट करेंगे और जो एक एक पड़ है इसे हम इस तरह निकालेंगे पड़ को, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है इसीलिए। तो पड़ को हम इसी तरह सभी प्याज को निकाल देते हैं। फटाफट से पानी के अंदर डालना है ताकि प्याज काले ना हो, तो इसी तरह हमें फटाफट से निकालना है। तो सभी को हमने निकाल लिया। अब इसे अच्छे से धो लेते हैं, धोकर रख देते हैं ताकि प्याज का पानी अच्छे से निकल जाए। सभी प्याज को हमें धोना है तो हमने प्याज को धो लिए है। हमारे आलू को उबलते हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे आलू चेक कर लिए हमने छुरी से। तो हमारे आलू उबल चुके हैं, अब इसे हम उतार लेते हैं और पानी से छान लेते हैं। तो अभी आलू गर्म है तो इसी तरह हम छील लेते हैं, क्योंकि ताकि जल्दी से फटाफट से छिल जाएंगे आलू। आप पानी डालकर भी छिल सकते हैं, हमने पानी नहीं डाले हैं। फटाफट से इसी तरह हम छाल निकाल देते हैं। तो छाल हमारा उधर निकाल लिया है। अभी इधर हम कढ़ाई में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। इसमें राई, जीरा, मेथी और अजवाइन और कलौंजी मिक्स हमने थोड़ा तड़का देने के लिए लिया है। थोड़ा सा हमने लिया है मूंगफली, इसे तड़के के अंदर ही सेक लेते हैं तो अच्छे से सिका जाएंगे। 3 से 4 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हल्का से हमें इसको रोस्ट करना है। तो 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च जीरे का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हमने गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा गरम पाउडर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर समोसे के आपके वड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो हल्का से इसे हम अच्छे से भूज लेते हैं। हल्का सा पानी डाल के भूजेंगे ताकि हमारे मसाला जले नहीं। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून हमें पानी डालना है। तो मसाला हमारा भूज चुका है, इसी के अंदर हम डाल देते हैं उबले हुए आलू मैश करके। तो हाथ से ही हम मैश करके डाल रहे हैं, क्योंकि हमें वड़े बनाना है तो ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। तो हल्का हल्का मैश करके और चम्मच से कढ़ाई के अंदर अच्छे से मैश कर देंगे। तो सभी को मसाले के अंदर अच्छे से हम भूज लेते हैं। ज़्यादा हमें भूजना नहीं, खाली अच्छे से मिला देना है। तो अच्छे से हमने मिला दिया। अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। ठंडा होता है तब तक बेसन का घोल बना लेते हैं। तो हमने 1 कप बेसन ले लिया, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे घोल बना लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा पानी और हमने डाला और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हमें फेंटना है, इसमें बबल ना रहे, इस तरह हमें अच्छे से इसे फेंटना है। स्टफिंग हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम जो प्याज की छाल हमने निकाले है 1-1 पड़, उसी के अंदर थोड़ा थोड़ा स्टफिंग को हम भरेंगे। तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब हम ले लेते हैं प्याज का छाल और इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा भरेंगे। अगर आपके पास थोड़ा और भी प्याज हो तो उसमें भी बना सकते हैं। ये हमारा थोड़ा काफ़ी छोटा हो जा रहा है, बट बहुत अच्छा लगता है। इस तरह अगर वड़ा बनाएंगे तो इस तरह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी को आप रमज़ान में ज़रूर बनाएं, बहुत लाजवाब बनता है। तो इसी तरह फटाफट से हम सभी वड़े तैयार कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हो, तो इसमें बहुत अच्छा बनेगा और पतला भी है, बहुत अच्छा इसका छाल। तो इसमें अच्छे से मसाले भी अच्छे से हमने डाल दिए है, बहुत अच्छे से बन चुके हैं, आप देख सकते हो। सभी वड़े को हमने तैयार कर लिया। इधर कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, तो तेल भी हमने डाल दिया है। वड़ा हमारा इधर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो, तेल भी गर्म हो चुका है। तब बेसन के अंदर हम वड़े को डालेंगे और इसी तरह फटाफट से गर्मा गर्म तेल में हम डालते जाएंगे, क्योंकि लकड़ी है तो इसमें फटाफट डालना होता है। तो फटाफट से इसे हम डाल लेते हैं बेसन में लगा के। हमने सभी वड़े डाल दिए, अभी से अलट पलट कर देते हैं। फटाफट अलट पलट करना पड़ता है, लकड़ी के चूल्हे में बहुत तेज़ी से आग जलती है। तो तैयार हो गया हमारा वड़ा, आप देख सकते हैं। अभी से हम निकाल लेते हैं फटाफट से। लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे।
अब देख सकते हो कितना खूबसूरत सा हमारा वड़ा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत से बहुत पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट है जितना देखने में है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो इसी तरह हम सभी वड़े को बना लेते हैं फटाफट से। तो सभी वड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और चलते हैं फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लाजवाब बना है हमारा वड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। थोड़ी सी हमने मिर्च तले है, आप तीखे वाले हैं आप फीका भी तल कर डाल सकते हो।